नमस्कार साथियों, हमारे चैनल सोल्जर्स फैन यानी रियल हीरो में आपका स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि खुशी का आपको ठिकाना रह गया। यहाँ पे कोर्ट का आर्डर मिलने के तुरंत बाद सर्कुलर नंबर 667 यानी इम्प्लीमेंट हो गया 666 में, और यहाँ पे इतना जल्दी एक्शन और इतना जल्दी इम्प्लीमेंट, वहाँ पे कोर्ट का ऑर्डर हो रहा है। वहाँ पे कोर्ट का ऑर्डर हुआ और उसी समय और तुरंत इधर से लेटर टाइप हो रहा है, और यहाँ पे हर पीसीडी को सर्कुलेट किया जा रहा है, और पीसीडी तुरंत सर्कुलर निकाल कर आपको सर्कुलर नंबर 667 सर्कुलेट कर देते हैं। लगभग 5,500 जगह ये सर्कुलेट कर दिया जाता है, और आइए देखते हैं आखिर में सर्कुलेट है क्या इतना तेज एक्शन और सुप्रीम कोर्ट का। तो ये रहा दोस्तों सर्कुलर नंबर 666 सर्कुलर 667 जो सर्कुल नंबर 66 के बाद सर्कुल 667 इतनी जन इम्प्लीमेंट हो गया। अभी तक सब लोग कयास लगाए जा रहे थे कि 2-4 दिन में टाइम लगेगा तब जाके होगा, लेकिन यहाँ पे सरकार का एक्शन इतना तेज, जब खुद पे पड़ी तो इतनी तेज एक्शन ले लिया। लेकिन इतने दिनों से जवान चिल्लाते रह गए लेकिन कहीं कोई एक्शन नहीं चल रहा था। आइए देखते हैं सर्कुलर नंबर 7 में क्या क्या है। यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसा डेटेड 28 फरवरी 2023 को है सर्कुलर नंबर 667 में, और यहाँ पे इतने लोगों को भेज दिया गया है, और सब्जेक्ट है इसमें क्या, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी रिविजन ऑफ द डिफेंस पेंशन 1/7/2019 से। रेफरेंस दिया गया है दिस लेटर सर्कुलेट नंबर 666 डेटेड 20/1/2023 एंड एमओडी आईडी नंबर 4/5/2016 वॉल्यूम 4 डेटेड 27/2/2023। इसमें इन्होंने लिखा क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लेटर नंबर 100 डेटेड 20/1/2023 एंड नंबर डेटेड 4/1/2023 ऑन द एबव सब्जेक्ट हैज बी इशू इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओआरओपी वेफ 1/7/2019। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे 20/1/2023 का लेटर का भी जिक्र किया है और 4/1/2023 दोनों को लेटर का जिक्र किया है, जिसके अंदर जो आपका 4 इंस्टॉलमेंट पे जो दिया गया था 1/7/2019 लेटर हैज इशू नेसेसरी डायरेक्टिव टू ऑल पीडीए इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेम वाइड लेटर नंबर 666/20/1/2023 इशूड बाई नेसेसरी डायरेक्शन दे दिया गया है आल पीडीए को इम्प्लीमेंटेशन के लिए 666 में। अटेंशन द इनवाइटेड टू पैरा 3 ऑफ द ऑफिस सर्कुलर नंबर 666 डेटेड 20/1/2023 वाइड विच इट हैज बीन डायरेक्टेड दैट पेमेंट ऑफ एरियर अकर ऑन अकाउंट ऑफ रिविजन ऑफ पेंशन इफ एनी सेल बी मेड इन 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट हाउ वेयर ऑल द फैमिली पेंशन इंक्लूडिंग दोज इन रिसिप्ट ऑफ स्पेशल पब्लिक लेबरलाइज्ड फैमिली पेंशन एंड ऑल गैलेंट्री अवार्ड विनर शैल बी पेड एरियर इन 1 इंस्टॉलमेंट एज पुलेटेड एरियर। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे इतना तेज एक्शन आपको देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे वही आर्डर का कॉपी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डाल गया है उसी का इन्होंने रेफरेंस दिया है। इन परसुएंस ऑन ऑनरेबल कोर्ट ऑर्डर 27/2/2023 एमए नंबर 119/2023 इन रिट पिटीशन नंबर 419/2016 एमओडी हैज इशू डायरेक्टिव वाइड एमओडी आईडी नंबर 4/5/2016 वॉल्यूम 4 डेटेड 27/2/2023 टू पे फुल एरियर इन 1 इंस्टॉलमेंट ऑन अकाउंट ऑफ ओआरओपी रिवीजन वेफ 1/7/2019 टू ऑल एलिजिबल पेंशन बाय 15 मार्च 2023। इन ऑर्डर टू इंश्योर टाइमली पेमेंट एरियर ऑफ पेमेंट मे बी ऑथराइज बिफोर 15 मार्च 2023 इन 1 गो। तो इस प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो ये इनका कितने लोगों को ये सर्कुलेट कर रखे हैं, और यहाँ तक कितने लोगों को इन्होंने सर्कुलेट कर दिया है, कॉपी टू कर दिया है। और इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर एक्स सर्विस में वेलफेयर डिपेंशन लीगल का इन्होंने एक नोटिस भी साथ साथ लगा दिया है, और ये जल्द से जल्द ईमेल के द्वारा भेजा गया होगा। यहाँ पे देखिए आप तुरंत ये एक्शन कितना दिन कर दिया, तुरंत ये 27 फरवरी को ही इन्होंने डेटेड करके एक्शन कर दिया है। इस प्रकार से आईडी नंबर 4/2016 वॉल्यूम 4 डेटेड 27 फरवरी 2023।
और एक कॉपी टू इन्होंने कर दिया है पीपीए पीपीएस टू सेक्रेटरी ईएसडब्ल्यू डीएसडब्ल्यू एफए डीएसडब्ल्यू एमओडी पीपीएस टू जेएस ईएसडब्ल्यू यूएस पेंशन पब्लिक पब्लिक डीएसडब्ल्यू। इस प्रकार से इन्होंने सर्कुलेट कर दिया है और जैसे ही वहाँ पे मुझे लग रहा है जैसे ही कोर्ट में हियरिंग चल रही है और हियरिंग ख़त्म हुई तुरंत वहाँ से मैसेज जाता है आप इम्प्लीमेंट करिए क्योंकि यहाँ पे जज साहब ने खुद आपके ऊपर अवमानना का केस डालने के लिए बोल दिया है। तो इस प्रकार देखते हैं एक खुशखबरी जवानों के बीच खुशखबरी कि वन इंस्टॉलमेंट मिलेगा और वो भी 15 मार्च से पहले मिलेगा और होली की बम्पर खुशी। ओके दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने दोस्तों का ध्यान रखें तथा अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि आपके साथ बच्चे बुजुर्ग महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।